दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप ब्लॉगर पर बिल्कुल फ्री में एक जोक रिलेटेड वेबसाइट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों ना तो आपको होस्टिंग बाय करने की जरूरत है, कस्टम डोमेन भी अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉगर पर हमें whisper.com सब डोमेन दिया जाता है। तो इसी का यूज करते हुए आप एक जोक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से ब्लॉग क्रिएट करना है, किस तरह से आपको उसमें थीम को अपलोड करना है, किस तरह से उस थीम का आपको कस्टमाइजेशन करना है, किस तरह से आपको उसके लिए पेज वगैरह जनरेट करने हैं, उसका SEO किस तरह से करना है, उसके लिए आपको मेटा टैग किस तरह से जनरेट करना है, किस तरह से अपनी थीम में उसको ऐड करना है, इसके अलावा सर्च कंसोल में सबमिट करने से लेकर साइट में वगैरह पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप भी एक जोक्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं ब्लॉगर पर, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो टेम्पलेट मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, उसका डाउनलोडिंग लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ये जो टेम्पलेट मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, ये टेम्पलेट डिजाइन ही जोक वेबसाइट के लिए किया गया है। वैसे तो आपने और भी काफी सारे ट्यूटोरियल अगर देखे हो जोक वेबसाइट के, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के टेम्पलेट प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो बिल्कुल परफेक्ट उस पर मैच नहीं होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो टेम्पलेट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो बिल्कुल जोक वेबसाइट के लिए ही डिजाइन किया गया है, उस जैसा दूसरा टेम्पलेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि जो वेबसाइट क्रिएट होने वाली है किस तरह की आपको नजर आने वाली है। तो जो टेम्पलेट हम यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो कुछ इस तरह का टेम्पलेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट को हम यूज कर पाएंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना लोगो एड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर आपको मेनूज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर अपना एड कोड लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी आप क्रिएट करेंगे, वो सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि फनी जोक, जोकर जोक, लव जोक वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी कैटेगरी आपको इस तरह से शो होती है। इसके अलावा साइड में आपको एक एड स्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा आपको सोशल प्लगइन यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें कि आप अपने फेसबुक, ट्विटर वगैरह के लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होती है वो यहाँ पर इस तरह से शो होती है। यहाँ पर आपकी पॉपुलर पोस्ट कैटेगरी वगैरह शो होती है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नीचे भी एक एड स्लॉट दिया गया है, और इसके अलावा नीचे भी आपको एक स्लॉट और मिल जाता है। और अगर फुटर की बात करें तो यहाँ पर इसका फुटर भी काफी अच्छा है, यहाँ पर भी आप अपना लोगो और अपने वेबसाइट का नाम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट अस में आप अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं। नीचे आपके जो इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह होते हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको फॉलो अस वाले बटन यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो इसको पूरी थीम के कस्टमाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसके मेनू वगैरह एडिट कर सकते हैं, किस तरह से आप इसमें लोगो वगैरह चेंज करेंगे, किस तरह से आप कैटेगरी ऐड करेंगे, और किस तरह से आपको यहाँ पे पेज वगैरह क्रिएट करने, सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने ब्लॉगर पर चलते हैं। ब्लॉगर पर चलने के बाद सबसे पहले हमें एक न्यू ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक न्यू ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं, कुछ भी नेम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम दे देते हैं हिंदी जोक्स। चलिए इसको नेक्स्ट करते हैं। चलिए URL की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो चलिए हिंदी जोक्स हम यहाँ पे देखे देखते हैं, तो शायद ये अवेलेबल ना हो। चलिए अवेलेबल नहीं है, इसको 21 कर देते हैं। चलिए ये भी अवेलेबल नहीं है, इसको कर देते हैं। तो चलिए हमें यहाँ पे मिल चुका है URL हिंदी में जोक्स 21। चलिए इसी को हम ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अच्छी तरह सर्च कर लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्यूटोरियल यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसको चलिए URL को ऐसे सेव करते हैं और अपना ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ब्लॉग क्रिएट होने के बाद सबसे पहला काम हमें जो करना है, वो करना हमें यहाँ पे थीम अपलोड करने का। तो थीम अपलोड करने के लिए यहाँ पे चलिए थीम वाले सेक्शन पे चलते हैं। जो थीम यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से सबसे पहले उस थीम को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थीम वाले सेक्शन पे आना है, एरो पे जाना है, और यहाँ से आपको रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अपलोड पे क्लिक करके आपको अपनी थीम को यहाँ पे अपलोड कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ से उस थीम को अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए उस थीम को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी थीम यहाँ पे रखी हुई है पिकी जोक्स के नाम से, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। चलिए हमारी थीम यहाँ पे रिस्टोर हो चुकी है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट विंडो में अपने ब्लॉग को ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस अभी हमारे ब्लॉग का यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी थीम यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, और यहाँ पर अभी कोई कंटेंट वगैरह हमारे पास नहीं है, इसलिए नॉर्मल सा व्यू आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए सबसे पहले तो इसके कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इस लोगो को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेआउट वाले सेक्शन में यहाँ पे जाना होगा।
और यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेन लोगो का। इस पर आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये लोगो है इसको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है और इसे रिमूव करने के बाद आपको अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर देना है। बस दोस्तों आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, आपका लोगो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको चेंज करके नहीं दिखा रहा हूँ वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा किस तरह से हम लोगो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मेनूज वगैरह है इन मेनूज को हम किस तरह से एडिट करेंगे। तो इनको एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से यहीं पे आना होगा और इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक मेन मेनू का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेनू है इनको आपको सबसे पहले तो सबको डिलीट कर देना है। चलिए सबसे पहले इनको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, चलिए सभी मेनू मैं ऐसे हटा देता हूँ, दोबारा हम इनको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने सारे मेनू यहाँ पे डिलीट कर दिए, सिर्फ हमारा होम का बचा हुआ। इसके बाद में आप जो भी मेनू आपको यहाँ पे क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जैसे डिफॉल्ट दिए, अगर आप इन्हीं रखना चाहते हैं तो इनको रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फनी जोक्स है तो चलिए यहाँ पे हम फनी जोक्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा फनी जोक्स और इसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड लिंक पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फनी जोक्स के नाम से यहाँ पे एक मेनू ऐड हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड हमारा जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जोकर जोकर जोक्स, इसको भी ऐड लिंक करेंगे और चलिए इसको भी नीचे कर देते हैं। तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पर अगर आपको और लव जोक्स है इस तरह, ये मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, आपको जो भी रखने आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लव जोक्स दे देता हूँ और इसको भी ऐड लिंक करेंगे। चलिए इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कौन सा आपको ऊपर रखना कौन सा नीचे रखना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तीन ही कैटेगरी बना देता हूँ, इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। चलिए इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। तो अब चलिए इस ब्लॉग को हम एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी हमने यहाँ पे क्रिएट की वो यहाँ पे आप शो होने लगी है। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पे आठ कैटेगरी दी है कि इनको आप रखना चाहते हैं तो आप इन्हीं को यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको जैसे कि यहाँ पे ये ऐड स्लॉट देखने को मिल रहा है, अगर इन ऐड स्लॉट को अभी फिलहाल आप यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप जब भी एडसेंस का अप्रूवल आपको मिल जाए तो आप इनको वापस विजिबल कर सकते हैं। अगर किसी और एड नेटवर्क का भी यूज करना चाहते हैं तो आप इसको फिलहाल डिलीट ना करें, फिर आप इसमें डायरेक्ट एड नेटवर्क के कोड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको करना किस तरह से। इसके लिए आपको वापस यहीं पर आना और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि चलिए नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये HTML जावा के नाम से एक मिल रहा है आपको यहाँ पे विजिट। इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये एड स्लॉट दिया गया है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हाइड कर दीजिए और अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एड कोड देना होगा, चाहे आप एडसेंस यूज करें या फिर आप कोई अदर नेटवर्क यूज करें। और अब चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, स्टिक मार्क को यहाँ पे हटा देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव करके चलिए एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एड स्लॉट यहाँ से हट चुका है। इसी तरह से आपके जितने भी एड स्लॉट यहाँ पे दिए गए इन सबको वन बाई वन यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं या फिर इसमें अपने एड कोड आप एड करना चाहते हैं तो उसको भी एड कर सकते हैं। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो हमें ये सोशल प्लगइन दिया गया इसमें अपनी लिंक किस तरह से एड करेंगे, अपने फेसबुक के या अपने इंस्टाग्राम वगैरह की जो भी आपको ऐड करनी है। तो उसके लिए आपको नीचे की साइड आना है और नीचे की साइड आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सोशल प्लगइन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे आपको लिंक ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे फेसबुक का लिंक ऐड करना है तो आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दे देना और उसको यहाँ से सेव कर देना। ठीक इसी तरह से सारे सोशल नेटवर्किंग के लिंक आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। चलिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे साइड में जो जितने भी विजेट हैं, अगर आप इसमें से किसी विजेट को नहीं रखना चाहते हैं तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में आएंगे तो आपको सारे विजेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आप किसी को भी अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि ये एड स्लॉट है, अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसको हाइड कर सकते हैं, अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने विजेट को भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कस्टमाइजेशन यहाँ तक का। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारी कैटेगरी जो डिफॉल्ट इन्होंने दी हुई है, अब इसको हमें किस तरह से कस्टमाइज करना है, इसमें अपनी लिंक किस तरह से ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे फिर से आना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फनी जोकर जो कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब इसमें आपको करना होगा, इसको चेंज करने के लिए आपको जैसे फनी जॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक है, इस जगह पर आपको अपनी लिंक यहाँ पे ऐड कर देनी है। जो भी आप फनी जॉक के नाम से कैटेगरी क्रिएट करेंगे, लेवल बनाएंगे, तो मैं भी आपको वीडियो में आगे चल के बता दूंगा। तो इस तरह से आपको इसको यहाँ से कस्टमाइज कर लेना। तो ये हो गया हमारा दोस्तों थीम का कस्टमाइजेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा कुछ इसमें करने को है नहीं है। मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि आपको किस तरह से इसको कस्टमाइज करना है। थीम कस्टमाइजेशन के बाद अब बारी आती है दोस्तों हमारी यहाँ पे पेज क्रिएट करने की। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि अगर आप एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस
इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी और डीएमसीए का पेज आपकी वेबसाइट पर होना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको पेज वाले सेक्शन पे आना होगा और यहाँ पर आपको चारों पेज क्रिएट करने होंगे। तो चारों पेज क्रिएट करने के लिए वैसे तो आपको गूगल पर काफी सारे टूल मिल जाएंगे जिसमें कि आप वन बाय वन अपने पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आप सर्च करेंगे आपको टूल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे डीएमसी जनरेटर टूल सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे बता देता हूँ, इस वेबसाइट को आप ओपन कीजिएगा webbridge.in और यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको प्राइवेसी पेज जनरेटर के नाम से टूल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे अपना साइट नेम देना है, अपना साइट यूआरएल देना है, अपनी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल दे देनी है, अपना नेम और अपना ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। आपके चारों पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करके अपने यहाँ पे चारों पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। चारों पेज क्रिएट करने के बाद अब आपको उसको एड किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ये पेजेस का ऑप्शन यहाँ पे आपको फुटर में शो हो रहा है। तो इसमें एड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर से अपने लेआउट सेक्शन पे जाना होगा। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुटर मेनू का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप डीएमसी एड करना चाहते हैं यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं डीएमसीए और इसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में जब चारों पेज आप क्रिएट कर लेंगे तो उसके लिंक आपको किस तरह से ऐड करने हैं, सब कुछ कीजिए। आपको डीएमसी वाले पेज का लिंक ऐड करना है, इसको एडिट करेंगे और इस जगह पर आपको अपने डीएमसी पेज का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना और इसको यहाँ से आपको सेव कर देना है और चारों पेज के लिंक आप ऐड करेंगे उसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों चारों पेजों के लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हमारा हो गया दोस्तों थीम कस्टमाइज किस तरह से करना है, किस तरह से आपको सिंगल क्लिक में अपने पेज क्रिएट करना है, उनके लिंक किस तरह से आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे पोस्ट किस तरह से करना है। तो पोस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपल सा जो वे है वही रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे दो तीन पोस्ट जल्दी से लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर देते हैं। तो चलिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे फिलहाल तीन पोस्ट यहाँ पे डाल दिए। चलिए अब इसको अपने ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी पोस्ट यहाँ पे किस तरह से शो होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी पोस्ट यहाँ पे शो रही है। तो मैंने यहाँ पे अभी किसी तरह की कोई इमेज ऐड नहीं की है तो यहाँ पे इमेज नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे इमेज का भी यूज करना है। अब चलिए मैं किसी एक पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ और आपको इस टेम्पलेट की खासियत दिखाता हूँ कि इस टेम्पलेट को मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट होती है, आपका जो जोक होता है, आपका जो इमेज आप ऐड करेंगे वो यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन आपका जो जोक होगा वो यहाँ पर इस तरह से बॉक्स में नजर आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कॉपी बटन दिया गया है, यानी कि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है सिंगल क्लिक में आपके पूरे टेस्ट को ऐसे कॉपी कर सकता है और कहीं पर भी उसको पेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके विजिटर को आपका कोई जोक पसंद आता है तो उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है, फेसबुक पे शेयर कर सकता है, इसके अलावा ट्विटर पर शेयर कर सकता है। इससे आपके ब्लॉग का ट्रैफिक इंक्रीज होता है कि जितना ज्यादा यहाँ पे शेयर होगा तो आपकी वेबसाइट का लिंक भी उसके साथ जाएगा, तो आपकी वेबसाइट पर विजिटर भी ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो इस टेम्पलेट की सबसे खास बात यही है जो कि इसको सबसे अलग बनाती है। तो चलिए ये होगी हमारी पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने अपने मेनू में किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने के लेवल बना दिए हैं। तो जैसे कि मैंने तीन पोस्ट दी थी, तीनों को अलग अलग लेवल मैंने दे दिया था, तो लेवल यहाँ पे शो होने लगे हैं, जैसे कि फनी जोक्स, जोकर जोक्स, लव जोक्स। अब इसको हमें यहाँ पर अपने कैटेगरी में लगाना है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जैसे कि चलिए मैं लव जोक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ भी ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने किसी तरह की लिंक नहीं लगाई है। तो चलिए अब इसको किस तरह से लगाते हैं। तो जैसे कि ये लव जोक्स वाली है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और इसके लिंक को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना होगा फिर से अपने लेआउट सेक्शन में। चलिए लेआउट सेक्शन में चलते हैं। लेआउट सेक्शन में आने के बाद जो आपको मेन मेनू का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है, जैसे कि ये लव जोक्स वाली हमारी कैटेगरी है, हमने इसी को यहाँ से कॉपी किया। चलिए एक बार मैं और कॉपी कर लेता हूँ, ये लव जोक्स को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो लव जोक्स वाला ऑप्शन है इसको एडिट करना है, और एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और इसको आपको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक इसी तरह से आपका जैसे जोकर जोक्स वाला है, तो ये जोकर जोक्स वाले को यहाँ से कॉपी करेंगे इसके लिंक को। और चलिए फिर से बैक चलते हैं और यहाँ पर इसको एडिट करते हैं जोकर जोक्स वाले को, और यहाँ पर इसकी भी लिंक हम यहाँ पे ऐड करके और सेव कर देते हैं। इसके बाद में थर्ड हमारा बचता है यहाँ पे फनी जोक्स, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और जो फनी वाला ऑप्शन है इसको भी यहाँ से एडिट करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं, और चलिए इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब चलिए एक बार इस वेबसाइट को हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद चलिए मैं आपको किसी भी टैब को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि लव जोक्स पे हम क्लिक करते हैं तो अब आप देखिएगा कि ये पोस्ट हमारी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी कैटेगरी में अपनी पोस्टों के लेवल को ऐड कर लेना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलिए अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से एसईओ के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको एसईओ की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो इसके लिए आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बेसिक का। बेसिक में आपको सबसे पहले अपना टाइटल मिलता है जिसे आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है
यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पर 500 वर्ड में कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ दिस वेबसाइट अबाउट हिंदी जॉक्स। इस तरह से आप यहाँ पे 500 वर्ड में अपना डिस्क्रिप्शन जरूर दीजिए। मैं आपको शॉर्ट में देखे यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। चलिए मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फेविकोन आइकन भी ऐड कर देना है। फेविकोन आइकन क्या होता है मैंने आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अपनी इस वेबसाइट को चलिए आपको मिनिमाइज करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, यहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट का एक आइकन देखने को मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों फेव आइकन। तो इस तरह का फेव आइकन आपको भी अपनी वेबसाइट पर ऐड कर लेना है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको करना है कि वो फेव आइकन पे क्लिक करेंगे और आपको फेव आइकन जहाँ से भी आप डिजाइन करना चाहें, आप चाहे तो फोटोशॉप से भी डिजाइन कर सकते हैं, पिक्सल लैब वगैरह से कर सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन भी काफी सारे टूल मिल जाएंगे फेव आइकन जनरेटर के नाम से, वहां से आप जनरेट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप काम इजीली कर लेंगे। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ जिसमें मैंने आपको बताया कि फेव आइकन आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं और उसको किस तरह से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद में आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल डाउन करना है। इसके अलावा अगर आप कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं जैसे कि .in, .com, .xyz कुछ भी डोमेन आप लगाना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। ब्लॉगर से कस्टम डोमेन को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है HTTPS जो कि डिफॉल्ट यहाँ पे एनेबल रहता है, इसको आपको एनेबल ही रहने देना है। HTTPS क्या होता है दोस्तों, की एक SSL सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी वेबसाइट को ट्रस्टेड बनाता है आपके व्यूवर्स की नजर में। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा यानी कि HTTPS नहीं होगा तो कोई भी आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन पेंट बना हुआ आता है ये लॉक का आइकन की आपको शो नहीं होगा और आपकी वेबसाइट बताएगी नॉट सिक्योर। इसलिए ब्लॉगर पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, इसको आपको एनेबल ही रहने देना है। इसके बाद में आपको परमिशन वगैरह में यहाँ पर अगर कुछ चेंजिंग करना है अपने अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, वैसे आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट का सेक्शन मिलता है, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका अपने होम पेज पर कितनी पोस्ट आप शो कराना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट में 7 है, इसको आप चाहें तो ऐसे 10 कर सकते हैं, जितना चाहें तो उसको कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो कमेंट पे आपको लोकेशन वगैरह और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे होती है हु कैन कमेंट यानी कि आपकी वेबसाइट पर आपकी पोस्ट पर कमेंट कौन कर सकता है। तो इसको आपको यहाँ पे यूज विद गूगल अकाउंट पे ही रहने देना है। इससे होगा दोस्तों कि जो अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन किया होगा वही आपको कमेंट कर पाएगा और कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। इसको हम यहाँ से सेव कर दीजिए। इसके अलावा कमेंट से रिलेटेड कुछ और सेटिंग है अगर आप करना चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। चलिए और नीचे की साइड चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि कमेंट फॉर मैसेज, कोई आपको विजिटर आपको कमेंट करता है तो उसको क्या मैसेज होना चाहिए, तो कमेंट से रिलेटेड आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब ईमेल वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में फॉर्मेटिंग पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना टाइम जोन जरूर सिलेक्ट कर लेना, आप जिस भी कंट्री से वहाँ का टाइम जोन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ से मैं इंडिया का टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा टाइम जोन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी SEO की वो आती है यहाँ पे दोस्तों मेटा टैग को, इसको आपको जरूर एनेबल कर लेना। मैंने जैसे आप इसको यहाँ से ऑन कर देंगे तो इसके नीचे आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना 150 वर्ड में अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड देने होंगे। अब जो फर्स्ट में आप सोच रहे होंगे कि पहले भी हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा था 500 वर्ड का, तो वो आपके SEO में आपकी कोई हेल्प नहीं करता है। आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में जो काम करता है वो यही वाला डिस्क्रिप्शन आपका काम करेगा जिसको कि मेटा टैग बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट से रिलेटेड 150 वर्ड में एक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे देना। चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर ठीक ढंग से दीजिएगा। जैसे कि चलिए अबाउट हिंदी जॉक फनी जोक्स लव जोक्स, इस तरह से आपके कीवर्ड पूरे आ जाने चाहिए जो मेन कीवर्ड है। उसके बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना, तो आपका मेटा टैग हो गया। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आपको एरर एंड रीडायरेक्ट का। तो ये क्या होता है दोस्तों कि सपोज कीजिए आप कोई पोस्ट करते हैं, कोई आपने कोई पेज क्रिएट किया उसको आप डिलीट कर देते हैं, और अगर आपकी लिंक गूगल में है और उस पर कोई क्लिक करता है, कहीं आपने शेयर किया वहाँ से कोई विजिटर उस पर क्लिक करता है तो उसको पेज नॉट फाउंड का एरर आता है क्योंकि आपने पोस्ट डिलीट कर दी है। तो उसको आप अपने होम पेज पर या किसी पर्टिकुलर दूसरे पेज पर अगर उसको डालना चाहते हैं, उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो उस काम में ये आता है। तो इसको ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एनेबल कस्टम रोबोट .txt का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको यहाँ से एनेबल कर देना है। इसको एनेबल करने के बाद आपको नीचे की साइड कस्टम रोबोट .txt का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपको अपना रोबोट .txt देना होगा। तो वो आप किस तरह से देंगे, चलिए ब्लॉग पर वापस चलते हैं, इसके होम पेज पे चलते हैं
और होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पर अपने यूआरएल में यहाँ पे स्लैश देना होगा। स्लैश देने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा robots.txt और आपको यहाँ पे एंटर मार देना है। जैसे आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड देखने को मिल जाएगा, इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। चलिए मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको इस बॉक्स में आकर इसको पेस्ट कर देना है। चलिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है। ये हो गया दोस्तों हमारा robots.txt की सेटिंग। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग और होती है वो होती है हमारी यहाँ पर रोबोट्स, कस्टम रोबोट्स वाली। तो इसमें हम गूगल के रोबोट्स को ये बताते हैं, उसके क्रॉलर को ये बताते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट का क्या चीज़ इंडेक्स करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। तो इसको इनेबल करने का सबसे पहले आपको होम पेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको ऑल कर देना है। और इसको आपको नीचे की साइड में नो डीपी का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको नो डीपी करके सेव कर देना है। ये हमारा होम पेज की सेटिंग होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आर्काइव एंड सर्च पेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नो इंडेक्स करना है और इसके बाद में आपको यहाँ से नो डीपी करना है और इसके बाद इसको भी सेव कर देना है। इसके बाद में जो आपकी मेन चीज आती है आपकी पोस्ट एंड पेजेस की आती है, जिन्हें कि हमें इंडेक्स कराना होता है, तो इसको आपको यहाँ से ओल्ड कर देना और इसको आपको नो डीपी करके इसको भी आपको यहाँ से सेव कर देना है। बस दोस्तों हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं। जैसे कि मोनेटाइजेशन में आपको जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो आपको एडसेंस में फाइल मिलती है, उसको कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना होता है। अगर आपके पास पहले से कोई कंटेंट है उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपने कंटेंट का बैकअप लेना चाहते हैं बैकअप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट आपको स्टेप बता देता हूँ, आपको सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को किस तरह से ऐड करना है। तो सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए आपको सिंपली सर्च कंसोल का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधा ले जाएगा सर्च कंसोल में। तो चलिए सर्च कंसोल को यहाँ पे ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च कंसोल हमारा ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट बार आपने ब्लॉग क्रिएट किया होगा तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का आएगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप पहले से ब्लॉग है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड प्रॉपर्टी पे करना है। और अगर आपका फर्स्ट बार आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डोमेन और यूआरएल का ऑप्शन मिलता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपने यूआरएल को कॉपी कर लेना है। चलिए मैं अपने यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यूआरएल को कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी इसको वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि हमें यहाँ पर डालना होगा साइट मैप। तो साइट मैप किस तरह से डालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साइट मैप का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डिफॉल्ट आ चुका है। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा साइट मैप .xml, बस आपको इतना लिख देना है साइट मैप .xml और इसके बाद आपको इसको यहाँ से सबमिट कर देना। चलिए मैं इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा हैंड टू हैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेस हो चुका है और ये तीन पोस्ट हमारी थी यहाँ पे इंडेक्स हो चुकी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना साइट मैप डाल देना। इससे ये होगा कि दोस्तों जो भी पोस्ट आप करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ उनको फेच करता रहेगा और सर्च कंसोल में वो इंडेक्स होती रहेंगी। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप मैनुअली अपने किसी यूआरएल को यहाँ पे इंडेक्स कराना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कराएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआरएल इंफेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी पोस्ट है उस पोस्ट के लिंक आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर उसको आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप एंटर मारेंगे। जैसे आप एंटर मारेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपका यूआरएल गूगल पर है या नहीं। तो अभी हमने यहाँ पे पोस्ट की थी इसलिए हमारा गूगल पे नहीं है। अगर आपका कार इंडेक्स नहीं हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर आने के बाद आपको एक बटन मिलता है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आप अपनी पोस्ट को मैनुअली यहाँ पे इंडेक्स करा सकते हैं। चलिए इसको प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने देते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ कैप्चा वगैरह भी मिल जाती है, तो इसको आपको ऐसे फिल करके और इसको आपको ऐसे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारी यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जो थी वो सबमिट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने यूआरएल को मैनुअली भी इंडेक्स करा सकते हैं। तो ये हमारा सर्च कंसोल होगा दोस्तों। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ पे मेटा टैग भी जनरेट करना है और अपनी अपनी थीम में उसको पेस्ट करना होगा। आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा मेटा टैग जनरेटर फॉर ब्लॉगर और यहाँ पर आएंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट मिल जाती है, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं फर्स्ट वाली को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देना है। तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ हिंदी जॉक्स और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के कीवर्ड देने होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से आपको यहाँ पे जैसे कि अबाउट हिंदी जॉक्स फनी जॉक्स लव जॉक्स इस तरह से आपको अपने कीवर्ड यहाँ पर दे देने हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आपका मेटा टैग यहाँ पे जनरेट करके दे दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा कि इसको आपको यहाँ से
कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद अपने थीम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और थीम वाले सेक्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करके एडिट एचटीएमएल पर चले जाना है। और एडिट एचटीएमएल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके थीम की पूरी कोडिंग आपको मिल जाएगी। तो सबसे ऊपर ही आपको तीसरी चौथी लाइन में आपको हेड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, ऊपर ही आपको मिल जाएगा। एक एंटर देना है और इसके जस्ट नीचे आपको इस कोड को पेस्ट कर देना, पेस्ट करके अपनी थीम को यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो चलिए हमारी थीम यहाँ पे सेव हो चुकी है, चलिए मैं इसको ऐसे देख ले लेता हूँ। तो ये होगा दोस्तों हमारा मेटा टैग। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया है, किस तरह से आपको ब्लॉग क्रिएट करना है, किस तरह से थीम को अपलोड करना है, किस तरह से उसको आपको कस्टमाइज करना है, किस तरह से आपको पेज जनरेट करने है, किस तरह से उनकी लिंक एड करनी है, अपने मीनूज वगैरह लोगोज वगैरह को कैसे एडिट करना है, उसका एसईओ की सेटिंग किस तरह से करनी है, मेटा टैग किस तरह से जनरेट करना है, सर्च कंसोल में किस तरह सबमिट करना है, साइट मैप किस तरह से क्रिएट करना है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी बता दी है। तो इस तरह से अगर आप भी जॉक से रिलेटेड एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये टेम्पलेट भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, और जो तरीका मैंने आपको बताया उसको फॉलो करते हुए आप भी बिल्कुल फ्री में ब्लॉगर पर अपनी एक जॉब वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी, लेकिन दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम आपको इसको क्रिएट करने में आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।